ओके गुड मॉर्निंग क्लास इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इम्पोर्टेंट लाइंस फ्रॉम वर्ड्स ऑर्थ दैट्स आर लाइ दैट इज़ लाइकली टू बी आस्ट इन योर एग्जाम और एक और बात जरूरी है होता है कि लाइन जो होती है बहुत डाइसी होते हैं बहुत सिमिलर टाइप की भी होते हैं तो हमारा ध्यान ध्यान रखना है तो ऐसे तो कोई किसी भी राइटर पे यू कैन नॉट हैव ऑल द लाइन्स इन योर माइंड ऑल द टाइम बट जनरली जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कि ऐसे कुछ कुछ अनहर्ड लाइन्स भी पूछ लिया जाता है कुछ कम पॉपुलर लाइन भी पूछ लिया जाता है अमूमन जो पॉपुलर होते हैं लाइन से फ्रेज पूछे जाते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थैंक यू वेरी मच द फर्स्ट कोट दैट वी आर गोइंग टू हैव ये हम यहाँ देखते हैं कहाँ से आया है कभी कभी ये पूछता है कि लिखा किसने कभी कभी ये पूछता है कहाँ से आया है तो हम देख लेते हैं अगर हमारे पास पहला जो है हमारे पास यहाँ डैपोडिल का है और फर्स्ट पब्लिश इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स तो हम देखते हैं क्या फॉर ऑफ्ट वैन ऑन माई काउच आई लाई काउच सोफा टाइप का बिस्तर आप कह सकते हैं और इन वैकेंट और

डाफोडिल्स डेफोडिल्स के साथ डांस करता है तो डेफोडिल्स का लाइन यहां तो डेफोडिल्स से समझ गए इसका आई वॉन्ट लोनी एज अ क्लाउड भी इसका आप कहेंगे आई वॉन्ट लोनली एज अ क्लाउड आई वॉन्ट lonely, लोनली मतलब ये जो उसी पहली लाइन जो है आप कह सकते हैं एज क्लाउड आई वॉन्ट lonely लोनली एज क्लाउड तो उसकी पहली लाइन जो होती है उसी को टाइटल मान लिया जाता है तो आप ये देख रहे हैं डेफोडिल्स की लाइन है तो ये इंपॉर्टेंट है हालांकि ये डैफोडिल से तो आप कैच कर सकते हैं लेकिन ये लाइन नहीं दिया रहेगा जब आपके एग्जाम में पूछेगा आपके जमा आपके एग्जाम में सिर्फ यहां से यहां तक दिया रहेगा तो आप उसको देख लीजिए विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ठीक है गॉट इट मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड यहाँ दिया है दैट फ्लोट्स अब इसका दूसरा नाम भी आप डेफोडिल्स के नाम से जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है आई वॉन्ट लोनली एज अ क्लाउड यहाँ एज अ क्लाउड मैंने लिखा नहीं दैट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर वेल्स अब यहाँ पर आप बात करें तो पैथेटिक फैलेसी है लोनली एज अ क्लाउड एक तो एक तो लोनली की तरह दिखा रहा है क्लाउड को लोनली बता दिया तो एक प्रकार का परसोनीफाई किया लेकिन पैथेटिक फैलेसी वाला किया तो दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स वेन ऑल एट वंस आई सा अउड अ होस्ट अल्ड इन डेफडिल्स अब ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है डाफोडल्स किस कलर के उसने जिक्र किया है पोइट ने तो गोल्डन कलर इसके ये दिस इज द पॉइंट बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लाटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज अगेन दिस इज द लाइन फ्रॉम डाफोडल्स राइट नेवर टू ब्लैंड आर प्लेस आर आर प्राइड विथ सारो ऑफ द मीन थिंग दैट फील्स हार्ट लीप वेल तो हार्ट इज़ ये दिल वाला हार्ट नहीं है हार्ट वो एनिमल वाला है तो ठीक है अब वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये टिंटन एन एवी की लाइन है मुझे लग रहा है और आप समझ गए आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आर ऑफ द थॉटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफ एंड टाइम द स्टिल ये कई बार पूछा है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये ये पर्टिकुलर फ्रेज या लाइन कहाँ पर आता है तो ये बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको I have learned to look on nature, not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still sad music of humanity, nor harsh nor grating, though of ample power, to chasten and subdue. And I have felt important, I have felt, I have felt a presence that disturbs me with joy, a paradoxical line that disturbs. और ये प्रेजेंस जो है डिस्टर्ब कर रही है पर्सोनिफिकेशन भी उस लाइन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप यह कह सकते हैं आई हैव फेल्ट प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी बिचोय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड हुज अह प्लेसेस द सेटिंग सन क्या हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सनस ठीक है एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर एंड द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन अ फ्यू माइल्स अवे अब टिंटन एवी तो ये जो है 1798 ये आप 13 जुलाई आप याद करिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना 13 जुलाई थर्टींथ ऑफ जुलाई 1798 अब ये टिंटन एवी की लाइन है ठीक है डियर और बाकी ये स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है आप यहाँ कह सकते हैं और टिंटन एवी इज रिटन इन ब्लैंक वर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बट यहाँ भी आपको बताना है that best portion of a good man's life his little nameless unremembered act his little nameless unremembered acts of kindness and of love again this is a line from uh, tinton abbey this is a very important dramatic lyric uh, though it, uh, there is a huge controversy over whether it is a dramatic monologue or dramatic lyric uh, honestly speaking this is a dramatic lyric

अमूमन जो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर इज पेटेंटली नॉट द पोएट अगर हम एम एच अब्रम्स को पढ़ते हैं तो उनकी लाइन है कि स्पीकर इज पेटेंटली नॉट द पोएट तो स्पीकर जो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में निश्चित रूप से पोएट नहीं होता है तो इसमें तो क्लियर हो गया है तो इसलिए इसमें ड्रामेटिक लिरिक की श्रेणी में रखेंगे हालांकि कमीशन क्या मानता है आई डोंट माइंड वो उनका अपना रवैया है लेकिन सही ये ड्रामेटिक लिरिक है बाकी आप ड्रामेटिक ओड मान ले कमीशन ड्रामेटिक मोनोलॉग मान ले कुछ मान ले उस ओड मान ले बैलेंट मान ले कुछ भी कर ले ठीक है ये भी है और एंड मच इट ग्रीव इट ग्रीव माई हार्ट टू थिंक वाट मैन हैज मेड ऑफ मैन ये बड़ा लाइन है ये अर्ली स्प्रिंग का ये वाली जो लाइन है ये वाला पोषक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन इंसान दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई ना व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन मनुष्य ने मनुष्य को क्या बना दिया है

तो सीज अ फैन ऑफ स्टेगनेट वाटर और इस पर्टिकुलर लाइन में बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर लाइन में फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा मेटोफर खैर ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा वो है तो ये क्या करेंगे यहाँ पर उन्होंने स्टेगनेंट कहा है किसको लंडनर को या लंडन के लोगों को स्टेगनेंट या सेल्फिस कहा है और ये दिस पोइम इज क्रेडिसिजम ऑफ लाइफ और ये लंडन 1802 वाली जो कहानी है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ माई हार्ट लीप्स अप वाओ वेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई ये रेन ये जो रेनबो वाला है तो आप रेनबो भी पोईम को इसको जानते हैं हाँ माई हार्ट लीप्स ऑफ वेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई तो ये जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते और यहाँ से एक लाइन बड़ी मशहूर है वो आपको पता है खैरा के मैंने दिया ये तो आगे मैं कुछ और बताना नहीं चाह रहा हूँ कि दिया है कि नहीं दिया है और जो लाइन है वो चाइल्ड इज द फादर ऑफ़ मैन वाली जो लाइन है इसी रेनबो इस पोएम को हार्ट माई हार्ट लिप्स ऑफ या द सिंपली द रेनबो नाम से भी आप जानते हैं ये आपको जानना है रेनबो और ये जब अगर आप पीजीटी में इंटरव्यू देने जाएं या हायर एजुकेशन में इंटरव्यू देने जाएं तो ये सम, अगर वर्ड्स वर्ड से सवाल बन रहा है तो ये जान लेना कि इंटरव्यू पक्का ये सवाल पूछेगा और ये पूछेगा ये कहाँ पर आती है रेनबो जैसा अगर रेनबो कम्स एंड गोज वाली लाइन इंटीमेशन इमोटेलिटी ओड में भी आती है वो तो कन्फ्यूज करने के लिए बता पूछते हैं तो ये आप ध्यान देना तो माई हार्ट लीप्स ऑफ वेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई हाँ ये लाइन जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम रेनबो और और ये जो लाइन है एक एपिग्राफ के रूप में इस्तेमाल हुई है कहाँ पर इस्तेमाल हुई है आप जानते हो तो मैंने बताया ही है वर्ड तो नन स्फ्रेट नॉट एट देअर कॉन्वेंट्स नैरो आप देख रहे हैं आप उनका नाम ही है तो नंस फ्रेट नॉट तो एंड हर्मिट्स आर कंटेंटेड विद दियर सेल्स नंस फ्रेट नॉट ये है आर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉगेटिंग क्या बात है अब देखिए द सोल दैट राइज आर लाइफ आई लाइफ स्टार हैथ एल्स वेयर इट्स सेटिंग एंड कम्थ फ्राम अफार Not in entire forgetfulness and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory, do we come from God, who is our home? Heaven lies about us in our infancy. But important, it's very important. Infancy, have of the of the prison house begin to close upon growing, upon, upon growing, upon the growing boy intimation of to heaven lies but he beholds the light and whence it flows he sees it in his joy the youth who daily farther from the east must travel still is nature's priest huh? and by the vision splendid is on his way attended at length the man perceives it die away and fade into the light of common day ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमोटैलिटी दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट ओल्ड इसको ग्रेट ओड के रूप में भी आप जानते हैं ठीक है फर्स्ट गॉट पब्लिस्ड इन एटीन जीरो टू लेटर ऑन विद इलेवन स्टेंजा ऑल द इलेवन स्टेंज तो आप एटीन जीरो सेवन में द रेनबो कम सैनगोज अब रेनबो देखते ही आप रेनबो पर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा तो ये रेनबो अलग है माई हार्ट लीप्स वाला अलग है ये रेनबो कम सैनगोज ये इंटीमेशन का है लवली इज द रोज ये लाइन आपको पढ़नी है रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज तो ये लाइन ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमोटेलिटी की है द मून डिलइट लुक अराउंड स्टारी नाइट आर ब्यूटिफुल एंड फेयर दाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ बट इट आई नो वेर एवर आई गो दैट देयर हैथ पास अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ कारवां गुजर गया ना गुबार देखते रहे और मैं खड़ा खड़ा वक्त का बाहर उस टाइप के फीलिंग यहाँ पर तो दैट पास्ट अवे ग्लोरी फ्रॉम दर्थ ठीक है हाँ. नाजुकता जो है इसकी इट्स जॉयज एंड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टू मी दिन फ्लावर दैट ब्लूज कैन गिव थाट्स दैट डू ऑफ एन लाइक टू डी फॉर फीयर्स क्या बात है ये ये सब है वर्ड्स व जैसा नेचर पोइट मैंने और कहीं देखा नहीं हाँ अगर हम हिंदी में कहें तो जो कवि मतलब हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में है अगर सुमित्रंद पंत को कहें तो हम नो डाउट कि वो भी ग्रेट हैं अपने मान में तो परिवर्तन जैसी कोई परिवर्तन तेरा ही नर्तन। hmm. Old intimations of immortality. ये लाइन है, अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू डिड सीम सीन इन सेलेस्टियल लाइट ऐसे दैवीय प्रकाश को ओढ़े हुए लगती थी ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम it is not now as it hath been of yore. turn wheresoever i may, by night or day, the things which i have seen. i now can see no more old intimations of immortality. though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, उस चीज का दुख नहीं करेंगे जो चला गया है जो बच्चा है उसी में अपनी शक्ति को अपने एक शेल्टर के रूप में देखेंगे वो इंटीमेशन ऑफ ए मोर्टेलिटी वेदर इज फ्लैट दिजनर इ ग्लीम ठीक है वेर इज इट नाउ द ग्लोरी एन द ड्रीम अब तो ओल्ड इंटीमेशन सब ये भी आप इंपॉर्टेंट की स्टडी में रखिए वैसे इंपॉर्टेंट चुने ही गए हैं तो आप ये कह ही नहीं सकते इंपॉर्टेंट चुना ही गया है तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है वंस ठीक है वंस डिड सी होल्ड द गजस ईस्ट इन फी एंड वॉज द सेफ गार्ड ऑफ द वेस्ट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द बेनेशियन रिपब्लिक ठीक है Sweet Spencer moving through his clouded heaven with the moon's beauty and the moon's soft face. The prelude may line hai. Spencer. Ki jikri hai. Spencer jo jaante. Where the statue stood of Newton with his prism and silent face, the marble index of a mind forever, voyaging through strange seas of thought alone. Prelude, book three. आई यू बेटर नो देट देर आर हाउ मनी बुक्स आर देर फोर्टीन बुक्स दिस वॉज इट इन दैट डॉन्ट टू ब ला लाइफ बट टू बी यंग वॉज वेरी एबन बाद में फ्रेंच रिवोल्यूशन नाम की पोइम अलग से उसी का वर्जन था तो प्रव बुक इलेवन में ये बात आती है तो याद रख लेना तो आप ये कहीं अगर ये नहीं रहेगा तो आप सन फ्रेंच रिवोल्यूशन रहेगा तो आप उसको लगाइएगा तो ये वहीं से आई थी ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि हमें पता ही है कि ही वॉज मच इन्फ्लुएंसड फ्रेंच रिवोल्यूशन एक बड़ा प्रभाव रहा बाद में वो क्या कर रहे हैं उनसे उनका मोह भंग होता है ही गेट्स डिस्यूजन लेटर ऑन बट तब तक बहुत देर हो जाती है हाँ आई थॉट ऑफ चैटर टन द मारबल बॉय द स्लीपलेस सोल द पेरिस इन प्राइड ये आई थॉट ऑफ चैटर टन लीच कैदरर जो अच्छा रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंस इज आल्सो नोन एज लीच क्यादर ठीक है और इट इज रिटन इन राइम रॉयल ट्वेंटी राइम रॉयल स्टैंड में है तो कोई दिक्कत नहीं बताया तो है ही तो आई थॉट ऑफ चैटरटन टॉमस चैटरटन हाँ ये आरबेल बॉय नहीं ये boy है मारबेलस बॉय है द मारबल्स बॉय तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसको आप मारवेलस समझिए तो मारवेलस बॉय ठीक है द स्लीपलेस सोल दैट पेरिस्ट इन हिज प्राइड प्राइट रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इसको टॉमस आर्डे ने बेस्ट रेमेडी बेस्ट क्योर फॉर डिसअपॉइंटमेंट या डिस्पेयर कहा था सी डवेल्ट अमंग द अनथ्रॉड इन वेज ये उसे लूसी पोइम का है She dwelt among the untrodden ways. Beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love, a violet by a mossy stone half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. She lived unknown, and few could know when Lucy ceased to be. But she is in her grave, and oh, the difference to me. She dwelt among the untrodden beach. A slumber did my spirit seal. I had no human peers. She seemed a thing that could not even lucidly feel the touch of earthly ears. A touch of the slumber did my spirit seal. Behold her single in the field, solitary reaper. Behold her single in the room. यौन सॉलिटरी हाई लैंड लैस ठीक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सॉलिटरी रीपर वो एक पूरी पोइम ही है। इम्पॉर्टेंट हैव द्लेंटिव नंबर्स अगेन फ्रॉम फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो द सॉलिटरी रीपर वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल उड वाव इट्स ग्रेट लैंड अपॉफ माई फ्रेंड क्विट योर बुक्स ना ये जो पोइम शुरू होती है तो आप समझ गए टेबल स्टन का है वन एम्पल्स फ्रॉम वर्नल उड May teach you more of men of moral evil and good. May teach you more of may teach you more of man of moral evil and of good that all the sejich can the tables turn. Two vices are there, one is of the sea, one of the mountains, each a mighty vice, Thoughts of a brighton on the subjugation of Switzerland. ठीक है हो कुकू शैल आई कॉल दर्ड आर अ बट अ वॉन्डरिंग वाइज टू द कोकू ठीक है मैंने एक पोएम की बुक खरीदी थी जिसका नाम था बर्ड्स ऑफ शेक्सपियर करके खरीदी थी बुक ऑफ नहीं बर्ड्स ऑफ वर्ड्स करके खरीदी थी तो ये आप भी खरीद सकते हैं लेकिन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खरीद ली है तो अब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आप खरीद सकते हैं फिलहाल वो कुकू शेल आई कॉल दर्ड आर बर्ड वॉन्डरिंग वॉइस द वर्ल्ड इज टू मच बिदस क्या सोनेट है इसकी इसको तो मैंने वाइलिंग एक्सप्लेन ही किया है उसमें आके तो और आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने एक्सप्लेन किया है तो अब आप क्या करोगे अब एक्सप्लेन कर दिया तो कर दिया ठीक है ठीक है वर्ल्ड इज टू मच बिदस लेट एंड सून Getting and spending, believe, waste our past. Huh. And this line is on it. The world is too much with plain living and high thinking are no more. Written in London, oh friend, I know not. The sounding cataracts haunted me like a passion. Again, Tinder, the tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite. पहले तो बड़े एक भूख की तरह थे उनका रंग बिरंगा रूप जो एन अपेटाइट का था फिर एक फीलिंग बन गई और फिर एक मोहब्बत बन गई दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर देखो बढ़ता जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर तो क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच भी आप कह सकते हैं चाम बाई थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबारूड फ्रॉम कंपोज्ड वर्डसॉर्थ लॉइन्सू माइल्स अब अभी Haunted me like a passion, the tall rock, again the line from there. The mountain and the deep and gloomy a repeated line. <laughs> uh, uh, the line has been repeated. So my apologies. My dear dear friend, and in thy wise, kya apni my dear dear friend. Huh? Ye bhi sakta, how many uh, times the word dear has been used in the poem? Hai? My dear dear friend. And in thy voice I catch the language of my former heart, and read my former pleasure in the shooting lights of thy wild eyes, Oh yet a little while may I behold in thee what I was once, again the line from Tintanavi. Therefore, again a line from Tintanavi, therefore am I still a lover of meadows and the Woods and mountains and of all that we be, behold from this green earth of all the mighty world of i and e o both what they half create and, and what perceive be pleased to recognize in nature and the language of the sense the anchor of my purest thought what a line the anchor of my purest thought the nurse nature purest thought the nurse the guide the guardian up my heart again climax figure of speech and soul of all my moral being. तो ये जो है क्या-क्या बनी हो anchor up my purest thought nurse guide guardian बिल एम माइल्स क्या लाइन है अमेजिंग लाइन अद्भुत है. बस हो गया अद्भुत अतुलनीय धन्यवाद हैव अ गुड डे लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच